नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। जिस वक्त चीन की शैतानी खोपड़ी से निकला वायरस दुनिया को मरघट बनाने में लगा है, ठीक उसी वक्त ड्रैगन की एक और डरावनी साजिश से पर्दा उठा है। चीन दुनिया को विषाणु से भी घातक मौत मारने का प्लान एक्टिव कर चुका है। चीन के साजिश के तार उसके एक परमाणु अड्डे से जुड़े हैं, जहां से बेहिसाब रेडिएशन हो रहा है। यह षड्यंत्र इतना ज्यादा बड़ा है कि सुपर पावर अमेरिका चीन के कहर से बचने के प्लान बना रहा है। सवाल यह है कि आखिर ड्रैगन के उस परमाणु अड्डे में ऐसा क्या है जिससे दुनिया कांप रही है। आज चीन के इसी षड्यंत्र की फाइल खुलेगी। जरा देखिए चीन कैसे चेर्नोबिल पार्ट 2 की तैयारियां करके बैठा है। दिसंबर 2019 का पहला हफ्ता दुनिया पर नए साल के जश्न की खुमारी चढ़ने लगी थी। तभी बीजिंग से 1117 किलोमीटर दूर वुहान लैब में चीन का विश्वघाती षड्यंत्र सुपर एक्टिव हुआ। चीन ने सोची समझी साजिश के तहत वुहान लैब से किलर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला दिया। चीनी वायरस वर्ल्ड में 38 लाख से ज्यादा लाशें बिछा चुका है, लेकिन चीन ने अब जो चाल चली है उससे पूरी दुनिया का वजूद खतरे में है। ड्रैगन ने दुनिया को कैसे मौत के मलबे में तब्दील करने का कौन सा प्लान बनाया है? चीन अपने मंसूबे में कामयाब रहा तो कैसे तबाही होगी? इसे समझने के लिए 35 साल पीछे चलिए। तारीख 26 अप्रैल, साल 1981, यूक्रेन। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में धमाका। 26 अप्रैल 1981 यूक्रेन के इतिहास में वो काला अध्याय जिसके जख्म आज तक ताजा हैं। दिन शनिवार का था। यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में टेस्टिंग चल रही थी। सब आम दिनों जैसा था, तभी अचानक न्यूक्लियर प्लांट की यूनिट नंबर 4 में बड़ी गड़बड़ी हुई। प्लांट में रेडिएशन का लेवल अचानक बढ़ने लगा। जब तक किसी को कुछ समझ आता, पावर प्लांट में विनाशकारी धमाका हुआ। धमाका एटमी था, हिरोशिमा जैसा विध्वंसक था। धमाके के साथ यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के चीथड़े उड़ गए। रेडिएशन का रिसाव होते ही आसपास के इलाकों में चीख पुकार मच गई। रेडिएशन रोकने के लिए एक स्टील और कंक्रीट का पिंजरा बनाया गया, लेकिन रेडिएशन की दर इतनी ज्यादा थी कि न्यूक्लियर प्लांट से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले करीब 3,50,400 लोगों को रातों रात हटाना पड़ा। चेर्नोबिल शहर की वीरान और खंडहर इमारतें आज भी उस खौफनाक मंजर की याद दिलाती हैं। दुनिया को कोरोना के मुंह में झोंकने वाले चीन के न्यूक्लियर प्लांट में से ऐसे ही खौफनाक रेडियो एक्टिव गैसों का रिसाव हो रहा है, लेकिन चालबाज चीन चुप्पी साध कर तबाही का तमाशा देख रहा है। लेकिन आज चीन के उसी परमाणु प्लांट में कैमरा दाखिल होगा, जहां जिनपिंग ने वर्ल्ड तबाही का पैनिक बटन ऑन कर दिया है। तारीख 8 जून 2021, गुआंगडोंग प्रांत, चीन। ताइशन न्यूक्लियर प्लांट में लीकेज। बीजिंग से 2117 किलोमीटर दूर चीन का गुआंगडोंग प्रांत। तारीख थी 8 जून और दिन था मंगलवार। चीन के बड़े ताइशन न्यूक्लियर प्लांट में चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट की तरह रेडिएशन का रिसाव होने लगा, लेकिन छलिया चीन ने खतरे पर अपनी चालबाजी का पर्दा डाल दिया। चीन की यह साजिश ताइशन न्यूक्लियर प्लांट से कभी बाहर नहीं आती, अगर फ्रांस की ईडीएफ कंपनी के इस परमाणु प्लांट में साझेदारी ना होती।
खतरा बड़ा था। बिना वक्त गवाए फ्रांसीसी कंपनी ईडीएफ ने अमेरिका को खतरे से आगाह किया। रेडिएशन का रिसाव खतरनाक लेवल पर था, लिहाजा फ्रांसीसी कंपनी ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी तक से तबाही रोकने की गुहार लगाई। लेकिन चीन भी मक्कारी पर पर्दा डालता रहा। रेडिएशन का नाम सुनते ही अमेरिका में खलबली मच गई, बैठकें होने लगी। फ्रेंच कंपनी ने अमेरिका को चीन की साजिश का पूरा डॉक्यूमेंट सौंप खुलासा किया कि ताइशन न्यूक्लियर पावर प्लांट से बेहिसाब रेडिएशन हो रहा है। ताइशन प्लांट के रिएक्टर नंबर 1 में रेडिएशन हो रहा है। प्लांट में क्रिप्टन और जिनॉन गैस का रिसाव हो रहा है। चीन का रेडिएशन वाला गुनाह पकड़ा जा चुका था। अमेरिका फ्रांस में हाई लेवल मीटिंग हुई। खतरे को भांपते हुए अमेरिका और फ्रांस ने चीन से जवाब मांगा, लेकिन चीन मुकर गया। ताइशन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हालात बेहद गंभीर हैं, लेकिन चीन को किसी की परवाह नहीं है। अमेरिका और फ्रांस मान चुके हैं कि अगर रिसाव और बढ़ा तो चीन के गुआंगडोंग में ही लाशों के ढेर बिछ जाएंगे, क्योंकि चीन के गुआंगडोंग प्रांत के ताइशन में करीब 10 लाख लोग रहते हैं। चीन भी खतरे को अच्छे से जानता है, लेकिन अपने लोगों की कुर्बानी देकर ड्रैगन हांगकांग को दूसरा चेर्नोबिल बनाना चाहता है। इसकी वजह है चीन की हांगकांग से पुरानी अदावत है। इस एटमी षड्यंत्र के पीछे भी चीन की विस्तारवादी सोच है। साल 1949 में चीन में कम्युनिस्ट शासन वजूद में आया, जिसके बाद से चीन ने जमीन हथियाने की नीति शुरू की। शी जिनपिंग के 2013 में सत्ता में आने के बाद से चीन की ये भूख कई गुना बढ़ गई। चीन अब तक दूसरे देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प चुका है। मौजूदा वक्त में ये चीन का 43% हिस्सा है। यानी ड्रैगन ने अपनी विस्तारवादी नीति से पिछले 6-7 दशकों में अपने साइज को करीब 2 गुना कर लिया है और उसका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। चीन हांगकांग को दूसरा चेर्नोबिल इसलिए भी बनाना चाहता है क्योंकि हांगकांग ड्रैगन के खूनी पंजे से आजाद होना चाहता है। चीन ने साल 1997 में हांगकांग पर जबरन कब्जा किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर चीन हांगकांग पर शिकंजा कसने की फिराक में अब भी है। वजह यह है कि चीन का 50.5% विदेशी निवेश और व्यापार हांगकांग के जरिए ही आता है। यही वजह है कि चीन ताइशन न्यूक्लियर प्लांट में लीकेज को छिपा रहा है, क्योंकि प्लांट में रिसाव होता रहा तो इसकी जद में पूरी दुनिया के साथ हांगकांग भी आएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।